गोरखनाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक मां ने अपने ही बेटे के अपहरण की झूठी कहानी रच दी, लेकिन पुलिस ने महज 2 घंटे की कड़ी मेहनत में झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। पूरा मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रसूलपुर का है। आपको बता दें कि सलमा खातून पत्नी शमशाद हसन निवासी मोतीलाल बगिया रसूलपुर की रहने वाली हैं। सलमा के पति कबाड़ का काम करते हैं। इनके परिवार में 1 बेटी और 3 बेटे हैं। रसूलपुर तकिया कवलदाह की रहने वाली शाहीन सिद्दीकी पत्नी अर्श आलम, इनकी शादी को 11 साल हो चुके थे लेकिन इन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। रसूलपुर चौराहे पर अर्श आलम और शमशाद हसन की एक सैलून की दुकान पर मुलाकात हुई। दोनों का परिचय हुआ। कुछ दिन बाद अर्श आलम की पत्नी और शमशाद हसन की पत्नी में बच्चे को लेकर बातचीत हुई। शमशाद की पत्नी अपने 3 माह के बच्चे को 50,000 में बेचने को तैयार हो गई। 11 जुलाई समय करीब 2:15 बजे 50,000 लेकर और कानूनी लिखा पढ़ी करके बच्चे को अर्श आलम की पत्नी को दे दिया। सलमा खातून ने घर पहुंचकर अपने पति से बताया कि सब्जी लेने बाजार गई थी, वहीं एक महिला ने बच्चे को मुझसे छीन लिया। सलमा की बात सुनकर पति के होश उड़ गए और उसने तत्काल गोरखनाथ थाने पर इसकी सूचना दिया। गोरखनाथ थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह ने तत्काल सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह को सूचना दिया, साथ ही SPCT सोनम कुमार और SSP को भी सूचना दिया। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए SSP दिनेश कुमार प्रभु ने बच्चे को खोजने का निर्देश दिया, साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया। पुलिस के सभी अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर CCTV फुटेज को चेक किया, जिसमें पता चला कि सलमा खातून अपने 3 माह के बच्चे को किसी महिला को दे रही है। खैर, पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और महज 2 घंटे में इस झूठे अपहरण की घटना का पर्दाफाश हो गया। सलमा ने बताया कि उसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने 50,000 में बच्चे को बेचा था और पति को कुछ पता ना चले इसलिए किसी महिला के द्वारा बच्चा छीनने की झूठी कहानी पति को बताई थी। पूरे प्रकरण के बारे में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि सलमा को उनका बच्चा वापस मिल गया, आगे की जांच जारी है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बच्चे की माँ एवं आरोपी महिला और SPCT सोनम कुमार ने कहा, कब से आप हैं आपके बच्चा गायब हुआ था, आपने कंप्लेन किया था? जी। क्या कंप्लेन किया था? हमने हमारे हस्बैंड ने किया था। क्या कंप्लेन किया था? ये किया था कि बच्चे को गायब, मतलब बच्चे हमारा गायब हो गया। तो इनका तो कहना है कि 50,000 रुपए लेके आपने बच्चे को गोद दिया था, इनको बेचा था। हम बच्चा हमारा ये गाजी नहीं था, हमारे पास लोग आते थे कि अपने बच्चों को हमको दे दो, हम वैसे ऐसे कर देंगे, आप नहीं दोगे तो बच्चे को, हम तुम्हारे पास बच्चे हैं, हमको दे दो, हम गरीब आदमी, हम सब जानते हैं। आपने इनसे पैसे लिए थे? पैसे नहीं मिले। और कोई लिखा पढ़ी किया था? लिखा पढ़ी हो गया था, बोली थी पैसा देने के लिए, नहीं मिला हमको पैसा। यानी आपने बेचने की नियत थी आपकी? नहीं, दीने नहीं थी, मगर हमको मजबूर किया गया था। कौन मजबूर किया था आपको? हमारे पास हस्बैंड आते थे, वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग दे दीजिए, देखो आप ऐसे वैसे है तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग दे दीजिए, देखो आप लोग ऐसे वैसे है तो आप लोग कैसे करोगे, इसलिए हमने कहा कि ठीक है, मगर हम दे दिए थे तो हमारे हस्बैंड ने किया था कंप्लेंट। बच्चा हम लिए नहीं थे, बच्चा हम गोद दिए थे, क्योंकि माँ ने कहा कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम पैसा कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। तो ये किसी और के संपर्क से ये हम गोद लिए हैं और बजाते ये पैसा भी लिए और हमने सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाया। कितने पैसे लिए थे? 50,000 रुपये लिए। आज आप बच्चा कैसे ले गए इनके हाथ से? ये आई थी रसूलपुर चौराहे पे, उसके बाद से पानी टंकी के पास गई और वहाँ ये आई और बोली हम 2 बजे आएंगे, हम लोग गए हैं और सरकारी कागज बनाने के बाद वीडियो हम लोग बनवाए हैं और उसके बाद से ये हर जगह साइन की है, आधार कार्ड की, पति पत्नी का फोटो था, बोली कि मेरा पति नशेड़ी है, वो बेहोश रहता है, उसे कोई सही नहीं है, हम बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, आप हमारा बच्चा ले लीजिए। तो उसी दौरान ये आई है और हमें बच्चे थे तो हमने बच्चा खोल लिया। देखिए, ये 3 माह का है, अरबाज नाम है इसका। उनकी माता शर्मा खातून और उनकी साथ जो साई सिद्दीकी, इन दोनों उनके साथ आई और ये हमें सूचना मिली 6 बजे, घटना जो है 3:30 बजे के आसपास की, 6 बजे हमें सूचना मिली, हम लोग पत्ता से ढूंढने लगे, हमने कई जगह CCTV बना ली
और पूरी टीम इसमें लगाई गई। इंस्पेक्टर तिवारी को सारे दरोगा गोरखनाथ थाने के सीओ गोरखनाथ भी एसपी गोरखपुर भी साथ में लगे और दो घंटे के मेहनत के बाद सीसीटीवी के द्वारा हमने इसे ढूंढ निकाला और अभी बच्चा सेफ है। और ये सूचना हमें दी हुई थी कि बच्चे को लेके गए हैं और हमने जब फुटेज में देखा तो एक ई रिक्शा था, ई रिक्शा लाल रंग का था, उसके ऊपर ये बैठे थे दोनों और उसके बाद वहाँ से निकले थे और उसी को ट्रैक करते हुए हम वहाँ पे पहुँचे। बच्चे चुराने की ऐसी बात समझ नहीं, बच्चा जो है शाही सिद्दीकी से के पास से मिला है। शाही सिद्दीकी को एक पहले से जानते हैं, जबरदस्ती नहीं दी। अभी इसके बारे में आगे पूछताछ की जाएगी और जानकारी की जाएगी कि पूरा पत्र के किस तरह से ये 6 बजे के आसपास हमें एक सूचना मिली कि एक महिला का बच्चा जो है दूसरी महिला छीन करके भाग गई है। इस सूचना पे हमने जब सीसीटीवी वगैरह खंगाला तो 3:30 बजे के आसपास की घटना हमें दिखी। इसमें दोनों महिलाएं आपस में बात करते हुए दिखी हमें और दोनों ने स्वयं एक ई रिक्शा किया और उसमें बैठ के चली गई। फुटेज को जब ट्रेस किया गया, कई जगह के फुटेज देखे गए तो ये बच्चा करीब 8:15 के आसपास बरामद किया गया और अपनी माँ को सौंप दिया गया है। महिला का नाम है सलमा खातून, वाइफ ऑफ शमशाद। जो आरोपित जो जिसके ऊपर महिला के ऊपर लगा जहाँ से बच्चा बरामद हुआ है तो उसका ये कहना है कि हमने इसको परचेज किया है, क्या ऐसा कुछ बात है आपके संज्ञान में आई है क्या? ये अभी पूछताछ की जा रही है दोनों महिलाओं से और जो दूसरी महिला है उसका ये आरोप है और उसका ये कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है, बयान लिया जा रहा है, जांच की जा रही है, जांच के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।